किसानों द्वारा अध्यादेश के खिलाफ हरियाणा में सड़क जाम के ऐलान के बाद अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम में रुकावट डाल रहा है। किसानों की भलाई के लिए यह बिल लाए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में इन बिलों का जिक्र किया था, लेकिन जब हम इन बिलों को लेके आए हैं तो विपक्ष स्वागत करने के बजाय इसका विरोध कर रहा है, किसानों को भड़का रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। विज ने कहा कि कांग्रेस आग लगाना चाहती है व कत्लेआम करवाना चाहती है। देखिए, विपक्ष हर अच्छे काम में रुकावट डालना चाहता है, किसानों की भलाई के लिए ये बिल लाए गए और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में इनका जिक्र किया था, लेकिन अब हम ले आए हैं तो स्वागत करने की बजाय वो विरोध कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमने किसानों को कहा है कि अगर वो विरोध करना भी चाहते हैं तो करें, प्रजातंत्र में उनको अधिकार दिया गया है, लेकिन आज आम स्थिति नहीं है, आज महामारी फैली हुई है, आज मरीजों का आना जाना है, दवाइयां आनी हैं, आज आप रास्ते जाम मत करें, आप प्रदर्शन करें, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमने अपील की है कि वो रस्तों को जाम मत करें। लेकिन है, हमारी पुलिस पूरी तरह से सजग है और तैयार। कांग्रेस का कहना है पूरे 50 दिन उनका कि अगर इनको हाथ लगाए तो बाजू काट दिए। हाँ, मैंने तो बताया कि कांग्रेस को आग लगाना चाहती है, कत्लेआम करवाना चाहती है, काटा पीटी करवाना चाहती है। कांग्रेस तो चाहती है ये, लेकिन लोग किसान समझदार हैं, वो इनकी बातों में नहीं आएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के रोड जाम करने पर चिंता जताई व इसका जिम्मेवार कांग्रेस को ठहराया। विज ने कहा कि हमने किसानों से कहा है कि अगर वह रोड जाम करना ही चाहते हैं तो करें, प्रजातंत्र में उनको यह अधिकार दिया गया है, लेकिन आज आम स्थिति नहीं है कि रोड जाम किया जा सके, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, मरीज आ जा रहे हैं, दवाई सड़क के रास्ते से आ रही है, इसलिए रास्ते जाम ना करें। आज देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, किसान भाई प्रदर्शन करें, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रास्ते जाम ना करें। विज ने कहा कि पुलिस पूरी तरह सतर्क है। कुलदीप बिश्नोई के इस बयान पर कि अगर किसानों को हाथ लगाया तो वह हाथ काट देंगे पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस तो आग लगाना चाहती है, कत्लेआम करना चाहती है, लेकिन आज का किसान समझदार है और वह इनकी बातों में नहीं आए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। भिन्न भिन्न सेवा के प्रकल्प इन दिनों में चलाए गए। अंबाला में भी पॉलिथीन को छोड़कर सूती थैले बांटे गए लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि पॉलीथीन को छोड़ें और कपड़े के थैले अपनाएं। उसी प्रकार से आज रक्तदान शिविर यहाँ लगाया गया है और लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। लगभग 200 के करीब लोग रक्त डोनेट कर चुके हैं और कितने ही लोग अभी बाकी खड़े हैं जो अपना रक्तदान करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी पहली बार
देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनके नाम से दुनिया दीवानी है और उनके आदेश पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहे।